सलाम कर दो सबको, व्यूअर्स को सब्सक्राइब करो यार ये चैनल को, बड़े अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं हमारे भाई। थैंक यू मुनीब भाई। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कुर्बानी वाली ईद एकदम करीब है, क्योंकि कल है कुर्बानी वाली ईद और आपके भाई ने अभी तक आप लोगों को अपने कुर्बानी के जानवर नहीं दिखाए, तो फाइनली गाइस टाइम आ चुका है अपने कुर्बानी वाले जानवर आप लोगों को दिखाने का। तो सबसे पहले तो ये रहा जानवर। अरे नहीं 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 टाइम हो रहा है सुबह के 8 और आज आपका भाई सुबह के 8 बजे उठा हुआ है, क्योंकि ईद उल अज़हा से जस्ट और जस्ट 2 दिन बाकी हैं, एक आज का दिन और एक कल वाला दिन। परसों होगी इंशाल्लाह ईद उल अज़हा और हम सब मुसलमान मिलकर एंजॉय करेंगे ईद उल अज़हा। ईद से 2 दिन बाकी होने की वजह से अपनी शॉप पर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स का रश है, तो उस कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए भाई आज आपका भाई 8 बजे उठा हुआ है। कोई 10, 11, 12 वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई ईद से पहले जो हम वीक देते हैं अपनी शॉप पर तो वो हम मंड के रखा जाता है हमें भाई, और यही साल के 2 वीक्स होते हैं, जो कि छोटी ईद से पहले वाला एक वीक और बड़ी ईद से पहले वाला वीक। तो भाई फिलहाल चलता हूँ अपनी शॉप पर और अपनी शॉप का काम वगैरह निपटाने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि वरना आप लोग कहोगे कि भाई रोज़ाना ही अपनी शॉप के सीन यस करा रहा है बस और कुछ तो दिखा नहीं रहा। तो ठीक है फरहान भाई निकलें। हाँ जी जल्दी 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 निकालो आज मेरी गेट खोलने की बारी है। आ जाओ चलो मुलाजम गाड़ी निकालो मुलाजम। आ जाओ शाबाश आ जाओ। अपनी शॉप से वापस आने के बाद आपका भाई एक मरतबा फिर हाजिर है आपके सामने। टाइम हो रहा है शाम के 5 और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कुर्बानी वाली ईद एकदम करीब है, क्योंकि कल है कुर्बानी वाली ईद और आपके भाई ने अभी तक आप लोगों को अपने कुर्बानी के जानवर नहीं दिखाए, तो फाइनली गाइस टाइम आ चुका है अपने कुर्बानी वाले जानवर आप लोगों को दिखाने का। तो सबसे पहले तो ये रहा जानवर। अरे नहीं 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 तो भाई अभी सच्ची वाले कुर्बानी वाला जानवर आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, तो चेक कीजिए ज़रा माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये वाली बकरी जो कि हमने अपने कज़न से ली है, ये काफ़ी दिनों पहले ली हुई थी ये जो बकरी है, मतलब कुर्बानी के जो जानवर थे वो काफ़ी दिनों पहले लिए हुए थे हमने, लेकिन फिर भी वहीं पर खड़े थे जहाँ पर लिए थे, क्योंकि घर में रखने की कोई जगह नहीं थी, सीलिंग वगैरह हो रही थी। तो चेक करें भाई चेक करें माशाल्लाह। तो भाई सबसे पहले तो ये वाली बकरी रही है हमारी, और उसके बाद ये एक छोटा सा बकरा रहा, छोटा नहीं है मतलब कि नॉर्मल ही है, लेकिन देखे पहाड़ी बकरा, ये ऐसे समझ लें कि ये पहाड़ से है, ये भी एकदम नेचुरल बकरा है, तो इसलिए इसे लड़ता। देखे यार नाराज़ क्यों हो रहे हो यार, गुस्सा क्यों हो रहे हो, टेंशन ले लो तुम्हारे पैसे दिए हमने। तो भाई इन दोनों को घर मैं अभी घंटा तो पहले ही लाया हूँ, तो घंटा तो पहले लाने के बाद मैं ज़रा सो गया था, क्योंकि शॉप पर काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, गर्मी होती है, मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत नींद वगैरह करके फिर उठूँगा नहाऊँगा और फिर आप लोगों को इनके सीन यस कराऊँगा। अभी इनको ज़रा तैयार व्यार करते हैं। तैयार व्यार क्या करते हैं, इनके लिए मैं 2 चीज़ें लाया हूँ, मतलब कि एक ही चीज़ है दोनों के लिए, एक ही चीज़ है, तो इनको ज़रा बांधते हैं वो चीज़ और फिर बाहर इनको ले जाते हैं, बाहर के चक्कर वगैरह लगवाते हैं। तो भाई चीज़ें हैं ये, अरियान भाई इनको पकड़ना ज़रा, इनको बांधने के बाद ना ये हम इनके गले में बांध देंगे, ये 2 हैं, दिखाना आर्यन भाई, मत खोलें उसे। तो भाई ये 2 हैं, एक को इसके गले में बांध देंगे और एक को उसके गले में, ताकि दोनों प्यारे प्यारे क्यूट से दिखें, बाहर हम ले जाएं तो प्यारे प्यारे क्यूट से दिखने चाहिए। ट्राई हुई नाकाम, अभी दूसरी मरतबा ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरह इसको बांधते हैं भाई। अभी ये बन जाएगा, इसको इस तरह करने के बाद और फिर ना इस तरह करना पड़ता है मेरे ख्याल से, बस ठीक है, बहुत सख्त भी नहीं बांधना होता, ऐसे थोड़ा हल्का सा बांधना होता ताकि ये अच्छा लगे इन पे। ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा लूज़ हो गया ज़्यादा। अरे फिक्र, अरे देखो ये किस तरह ऊपर देख रही है, दूसरे को भी मैं इससे तो खास तौर पे। हाँ ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यार, ये पहाड़ का है, छोटा सा बकरा है, लेकिन ऐसे कोई मतलब कि ऐसे टप्पे वगैरह लगाते हैं ना, हमें खुद भी डर लगता है। देखिए ये, हाँ अब तो आराम से बांधने दे रहे हैं हरियाणा भाई। अरियान भाई आप जब करीब आते हैं तो ये टप्पे लगाते हैं यार, अभी तो आराम से बाद में दे रहे हैं, देखो ना वाह भाई वाह भाई वाह भाई भाई, गाइस इनकी आवाज़ तो सुना।
तो गाइस हमारी बकरी और बकरा तो हो चुके हैं रेडी, तो अब टाइम आ चुका है इनको निकालने का। इसकी रस्सी वगैरह खोलते हैं, रस्सी खोल के ले जाते हैं इनको बाहर और दिखाते हैं कि भाई शहर का माहौल कैसा है। ये गांव की पली हुई है और वो पहाड़ों का पला हुआ है भाई, वो हमने बलोचों से लिया है और ये हमने सरैकियों से अपने कजनों से ही लिया है। तो भाई इनको बाहर निकालते हैं और इनको बाहर तौसा सिटी का माहौल यस कराते हैं भाई। भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये है एकदम शरीफ बकरी, डरपोक सी बकरी है, तो अरियान भाई ने इसे खोल दिया है। वो जो एकदम बदमाश बकरा खड़ा हुआ है ना, तो उसको मैं खोलता हूँ अभी। आ जा भाई, तू मेरे हाथ लग जा, वरना तू अरियान के हाथ उसे तो छूट जाएगा। तो इसे मैं खोलता हूँ और फिर इसे ले जाते हैं बाहर। तो भाई हमारा बकरा और बकरी तो बाहर जो है ना, नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैंने इनको खाना वगैरह डाला है, तो खुशी से मज़े से खाना खा रहे हैं। पहले इनको खाना वगैरह खिला लेते हैं दोनों को और फिर ले जाएंगे इन दोनों को बाहर। ये वाला जो बकरा है ना, इस बकरी बेचारी को खाने ही नहीं देता, जो जो करीब आता है ना देखो उसको अपने सिंग मारता है। तो ये बड़ा शैतान है यार, ये जो पहाड़ी बकरा है बड़ा ही शैतान है कोई। वो एकदम शरीफ सी लल्ली सी, देखो वो कहाँ से खा रही है घास, ये इसने सारा का सारा कब्जा किया हुआ। चलो इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, चल चल, बराबर का हक देंगे हम दोनों, हमारे लिए बराबर हो भाई। उसको भी खाने दो, शाबाश। यार इनको चारा डालते ही बकरी और बकरे के दरमियान हो चुका है हमारा बैटल, तो इसलिए हमने खाना उसका अलहदा कर दिया है, इसका अलहदा कर दिया, वरना ये जो शैतान वाला बकरा है ना, ये उस बड़ी सी बकरी से ना बिल्कुल डरता है ना कुछ करता है, उसे डायरेक्ट उसके मुंह पे सिंग मारने की कोशिश करता है, तो ये ना उस बेचारे को नुकसान पहुंचे, तो इसलिए हमने उसका खाना अलहदा से कर दिया। इसको मैंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, ये ना उसकी साइड पर जाए। तो भाई इनके दरमियान बैटल को कम करने के लिए, बैटल को रोकने के लिए हमने इनको अलहदा अलहदा चारा सर्व कर दिया है भाई। तो फाइनली गाइस मुझे लगता है कि अभी इन्होंने खाना खा लिया, तो अब टाइम आ चुका है इनको बाहर निकालने का। इनको तौसा सिटी के माहौल यस कराते हैं भाई, दोनों गांव के हैं, एक पहाड़ का है एक गांव का है, तो इनको तौसा सिटी के माहौल यस कराते हैं, तौसा की गलियां वगैरह घुमाते हैं। गलियां तो नहीं लग रही, जो अपनी मेन गली है। आ जाओ भाई, ये इसको देखो, इसको देखो, ऐसे पूरा गुस्से में खड़ा है ना, या तो डर रहा है बेचारा। तो आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ यार। अब इनको बाकी में बाहर निकालते हैं, बस बहुत खा लिया इन्होंने है ना, ऐसे ना। ये वाला आ नहीं रहा यार, ये वाला आ नहीं रहा, बिल्कुल भी। अभी इसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, इसे पहले पहले, इसे ये बिल्कुल डर रहा है अरियान भाई, ये डर रहा है, ये बिल्कुल डर रहा है, ये इतना नहीं डर। आ जा, आ जा, आ जा। वो एक ही जगह पटको, ऐसे करो दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद। तो फाइनली गाइस बाहर लेके तो हम इन्हें आ चुके हैं, लेकिन इनका कोई इरादे का पता नहीं चल रहा, ये उस साइड पे भाग रही है, ये जाने को तैयार ही नहीं है कहीं, उसी जगह पर रुका हुआ है। तो भाई इनको चक्कर वगैरह लगवाते हैं जरा। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ दोनों लिए, हाँ सही है ना, सही है ना, दोनों आ जाओ, आ जाओ, इसको हाथ तो लगाओ, इसको हाथ तो लगाओ, इधर जो हाथ लगाएगा ना उसको इनाम है, ख्याल से लगाना हाथ, उसके ऊपर तुम भी आ जाओ। चलो भाई, क्या 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 सलाम कर दो सबको, व्यूअर्स को सब्सक्राइब करो यार, ये चैनल को बड़े अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं हमारे भाई। थैंक यू मुनीब भाई।